up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Good evening everyone and happy Sunday. तो बहुत अजीब जगह से आज मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। देख लीजिए वो क्या कर रहे हैं, ड्यूटी तो नहीं जाना है अभी 8 तारीख तक, और मतलब बढ़ गया टाइम। और किसी को मैं बताई थी एक दिन, तो अभी शाम का टाइम है, पानी आया हुआ है। मैं भी हाथ मुंह धो के थोड़ा सा तैयार हो गई, सो के उठी थी, थोड़ा सा हाथ मुंह धो के और तैयार हो गई हूँ। क्रीम पाउडर लगा लिया था मैंने और अभी किचन में जाऊंगी, थोड़ा सा काम निपटाऊंगी। मैंने सोचा पहले वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ, और इधर पानी भी आया है ना, तो ये मैं ड्रम यहीं पे रखती हूँ हमेशा। और इधर है सनी और इधर है निशा, उनकी फोन पे बातें चल रही है दोस्तों के साथ, देख सकते हैं। पूरा घर अभी फैला बिखरा रहा है। मैं किचन भी थोड़ा सा दिखा लेती हूँ। दिन में बना था आज इडली सांभर, पूरा फैला है। अभी ये सब काम करूंगी, सेट करूंगी। तो अभी प्लान है आज संडे स्पेशल में समोसा बनाने का, तो आज समोसा बनेगा। मेहनत तो लगती ही है, ये सब चाट वाली रेसिपी बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन बनाऊंगी। कई दिन से ये मेरे मिस्टर बोल रहे हैं कि घर में समोसा बनाओ, तो आज बनाऊंगी समोसा। बहुत उनको पसंद आते हैं, घर में जब भी मैं कोई चाट वाली रेसिपी बनाती हूँ ना, तो वो बहुत मन से खाते हैं। सो गए, चलिए अभी देर नहीं करते हुए फटाफट से मैं सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले बनाने वाली हूँ ये मीठी चटनी। समोसे में जो मीठी चटनी आती है वही मैं आमचूर की चटनी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने जितना आमचूर लिया था ना, आमचूर पाउडर, उसके डबल मैंने चीनी लिया है, और डाला है इसमें मैंने धनिया पाउडर और ये रेड चिली पाउडर। और अब मैंने इसमें डाला है ये 1 चम्मच भर के जीरा पाउडर, ये भुना जीरा पाउडर है मेरे पास। इसके बाद मैंने डाला है इसमें देगी मिर्च, इससे कलर और तीखापन भी आता है। तो 1 चम्मच मैंने डाला है, और ये काली मिर्च का पाउडर डाला है, चाट मसाला डाला है, और 5 मिनट में बन जाएंगे आपके ये चटनी। और यहाँ पे मैंने डाला है ब्लैक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, और ये पानी से मैंने घोल तैयार किया है यहाँ पे। और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दें जब तक ये चीनी ना घुल जाए। और अभी मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाला है तेल, और थोड़ा सा ही तेल डाला है मैंने, और जीरा डाल दिया है थोड़ी सी, आप चाहें तो जीरा नहीं भी डालिए। और बस तड़का लगा देंगे इसको, और धीरे धीरे ना इसको धीमी आंच पर पकाएं, 2-3 मिनट में ही पक जाएंगे। और ढक ढक के पकाएं, बीच बीच में चेक करते रहें, और बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में, बहुत ही टेस्टी। और देख सकते हैं यहाँ पे पकने के बाद एकदम से अच्छा कलर आ गया है। तो यही वाली चटनी मिलती है समोसे के साथ अक्सर बाज़ार में, तो ये है आमचूर की चटनी। और देगी मिर्च पाउडर ज़रूर डालिए। तो यहाँ पे मैं समोसे के लिए ना ये आटा लगा रही हूँ, तो ये पहला आटा मैं मैदे से लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, और ये मैंने डाला है इसमें अजवाइन, थोड़ा सा अजवाइन मैंने क्रश करके और डाल दिया है। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, और थोड़ा सा मैंने इसमें घी डाला है, आप चाहें तो डालडा भी डाल सकते हैं, रिफाइंड भी डाल सकते हैं, और बीच में चटनी भी चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे ये चटनी हो ही गई है लगभग। तो कितना गाढ़ा और कितना पतला रखना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो मैंने ऐसे बनाया है इसको, देख सकते हैं। तो अभी आटा को ना अच्छे से मिक्स कर दें घी के साथ, खूब अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर दें एकदम क्रम्बल करके, और थोड़ा सा गुनगुना पानी लेके ना इसका एक डो तैयार कर लें टाइट। और यहाँ पे मैंने ग्रीन चटनी के लिए हरी मिर्ची, टमाटर और धनिया पत्ती लिया है, और देख सकते हैं कितना फ्रेश मेरे पास धनिया पत्ता है अभी। और यहाँ पे मैंने गार्लिक और ये जिंजर भी लिया है, और प्याज कट करके डाल दिया है। और अभी मैंने इसमें नमक डाला है, और अभी इसको पीस लेंगे हम। और पीसने के बाद ना इसमें भुने जीरे का पाउडर ऐड करेंगे,
और थोड़ा सा मैंने इसमें लेमन जूस डाल दिया है। और बीज को निकाल दें, नहीं तो बाद में सर्व करते टाइम किसी को कड़वा लग जाएगा। और अच्छी तरह से इसको मिक्स करके साइड में रख दें। पहले चटनी ही हमेशा रेडी करें। तो यहाँ पे मैं ना फिलिंग के लिए कुछ तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जीरा लिया है, तेल में जीरा, यहाँ पे सरसों तेल है, आप चाहे तो रिफाइंड डालिए। और उसमें मैंने जीरा और मैंने हरी मिर्ची डाल दिया है, और ये बॉयल किया हुआ आलू है तो मैंने आलू डाल दिया है। तो अब मैं कुछ मसाले ऐड करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं नमक डाली हूँ और धनिया पाउडर डाली हूँ, और बस इसमें फ्रोजन मटर डालेंगे अभी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दिया है, और इसमें हल्दी नहीं डालेंगे हम। तो अभी कुछ मसाले और भी ऐड करेंगे। तो इसमें मैंने डाला है ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और अब मैंने कसूरी मेथी डाल दिया है इसमें। और इसको ना एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए, और थोड़ी देर ठंडा होने के लिए यहाँ पे रख दी थी मैं। और अब मैं इसमें कुछ और भी डालूंगी। तो थोड़ा सा मैंने इसमें ब्लैक सॉल्ट डाला है, और ब्लैक पेपर, चाट मसाला, और अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसको। और यहाँ पे दो तरह के मैंने आटा लगाया था, ये गेहूं के आटा और ये मैदा। तो आप चाहे तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, अच्छा ही लगता है। तो पहले मैं मैदे से बना के आपको दिखाती हूँ। तो चलिए इसको इक्वल साइज में कट कर लेते हैं पहले, और बस रोटी के जैसा ही बेल लें। थोड़ा सा लंबा, टेढ़ा मेरा ही थोड़ा लंबा, और चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए थोड़ी सी, तो देख सकते हैं। और थोड़ा सा मेरा आटा ना गीला है, और बहुत ही टाइट आटा चाहिए समोसे के लिए, देख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे नहीं होना चाहिए। तो बस इसमें फिलिंग रख दीजिए, इसमें पानी लगा दीजिए दोनों तरफ से। तो दोनों साइड से पानी लगाने के बाद ना यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी सी फिलिंग रख दीजिए कोन बना के। और फिलिंग रखने के बाद ना फिर से पानी लगाइए इस पे ऐसे, और चिपका लीजिए फिर। और अच्छी तरह से चिपकना चाहिए, नहीं तो फिर तेल में खुल जाएंगे ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बना दिया है, और सारे समोसे मैंने यहाँ पे रेडी कर दिए। तो चलिए उधर कढ़ाई में मैंने तेल रखा है, और थोड़ा मेरा यहाँ पे तेल कम है, इतना तेल होनी चाहिए ना आधी कढ़ाई से ज़्यादा कि ये समोसा डूब जाए उसमें। तो तेल कम होने की वजह से ना उस दिन थोड़ा सा मेरा समोसा ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट सा होने लगा था। तो थोड़ा ज़्यादा तेल रखिए, और एकदम से डूबने लायक डीप फ्राई करिए, तो बहुत अच्छे बनते हैं, फीलिंग तो वही रहती है। तो हो गया यहाँ पे हलवाई स्टाइल समोसा, और मेरी हालत भी देख सकते हैं कितना। सो गाइस, आपका बिना टाइम खराब किए हुए ना मैं एक रेसिपी आपको और देती हूँ समोसे की, जो हमारे बिहार के अक्सर छोटे मोटे होटलों में ये मिलता है, और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, मैं बहुत ही बार खाई हूँ। तो दो समोसा तोड़ दीजिए, और प्याज डाल दीजिए, हरी मिर्ची और हरी चटनी, और ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल कर दीजिए, और रेड चिली पाउडर, और हो गया एक चाट वाली रेसिपी। तो यहाँ पे देख सकते हैं समोसे की पार्टी चल रही है। तो सनी और उसके पापा एकदम से टूटे हुए हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे सनी तो पता नहीं क्यों एक ही लिए हैं, अभी पहले वो टेस्ट करेंगे शायद, तभी देखेंगे तो लेंगे, क्योंकि उनको सब चीज़ तीखा चाहिए। तो अभी उसको लगा होगा मुंह में टेस्ट, तो अभी लिए जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे जब तक कोई चीज़ तीखा ना हो तब तक वो खाता नहीं है। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए, बहुत ही अच्छे बने थे उस दिन समोसे, बहुत ही टेस्टी बने थे, और ज़रूर से ट्राई करिएगा हमारे बिहारी स्टाइल समोसा।